और भोपाल से बड़ी खबर, जहां हरदा में हुआ विस्फोट की घटना को लेकर सीएम मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। दुर्घटना के संबंध में मंत्रालय में ये आपात बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां हरदा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपातकाल बैठक बुलाई है। दुर्घटना के संबंध में मंत्रालय में ये बैठक हुई है, जहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना की पूरी जानकारी ली है। सीएम यादव ने घटना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद सीएम मोहन यादव ने आपातकाल बैठक बुलाई है। बता दें कि हरदा में हुआ ब्लास्ट में दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां हरदा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है। दुर्घटना के संबंध में मंत्रालय में ये आपात बैठक हुई है, जहां सीएम मोहन यादव ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम यादव ने घटना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जहां मंत्री उदय प्रताप सिंह को तत्काल हरदा जाने के आदेश दिए हैं। वहीं एसीएस अजीत केसरी को भी हरदा जाने के आदेश दिए हैं, और इसी के साथ ही डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को भी हरदा जाने के तत्काल निर्देश दिए हैं। तीनों ही सीएम ने हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। और बता दें कि भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, और इंदौर भोपाल से फायर ब्रिगेड की दमकलों को भी रवाना किया गया है, जहां राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तत्काल इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर हरदा पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि हरदा में दोपहर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लग गई, और अब तक 7 लोगों की मौत होने की भी खबर सामने आई है। वहीं मौत का आंकड़ा जो है वो अभी और बढ़ सकता है। इस पूरी घटना को लेकर भोपाल में हरदा की घटना को लेकर सीएम मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। ये पूरी दुर्घटना के संबंध में मंत्रालय में आपात बैठक हुई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना की पूरी जानकारी ली है और तत्काल मंत्री उदय प्रताप सिंह को हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। एसीएस अजित केसरी और डीजी होमगार्ड को हरदा जाने के आदेश दिए गए हैं। तीनों को हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दूसरी जानकारी, जहां भोपाल इंदौर में मेडिकल कॉलेज और शासकीय अस्पतालों में जरूरी अहम तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, जहां एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, भोपाल इंदौर में मेडिकल कॉलेज को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए हैं। ट्वीट करते हुए मोहन यादव ने ये दुर्घटना के संबंध में मंत्रालय में जो आपात बैठक ली है, वहां जो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को, उसको लेकर के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट से निकलकर जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना की पूरी जानकारी ली है। सीएम ने घटना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जहां मंत्री उदय प्रताप सिंह को तत्काल हरदा जाने के आदेश दिए गए हैं। एसीएस अजीत केसरी और डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को तत्काल हरदा जाने को कहा गया है। हेलीकॉप्टर से सभी अधिकारी रवाना हुए हैं, और इसी के साथ ही भोपाल इंदौर में मेडिकल कॉलेज को आवश्यक तैयारी के भी निर्देश दिए गए हैं, जहां एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि हरदा से कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हरदा में ये जो दुर्घटना हुई है, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी, जहां अब तक 7 लोगों के मौत होने की खबर सामने आई है, और अभी और भी बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री में करीब 150 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, और फैक्ट्री से कई दूर कई लोगों के शव भी मिले हैं। शव के साथ साथ कई लोग जख्मी पाए गए, जहां सड़क पर घायल पड़े हुए लोग मिले हैं, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस अस्पताल रवाना किया गया है।